الصبح بدا من طالعتي. आज मैं शाम के टाइम ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और हम सारी फैमिली टी टाइम की तैयारी कर रहे हैं। मैं और मेरी सिस्टर हम ऊपर आए थे और मैंने चिकन टिक्का बनाने रख दिया है और इसे मैंने स्टीम थोड़ा सा के ढक्कन दे के थोड़ा सा बना लिया। इसकी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर रेसिपी है, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी तो वहाँ जाके देख लेना। ये जो कबाब बनाए थे हमने, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, ये भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं, इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। इसे फ्राई उसमें डालते हैं, इसे फ्राई करने के बाद मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ मसाला चाय और इसकी भी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। ईद के बाद अब हमने सोचा कि हम आज टी टाइम करते हैं फैमिली, और फिर हम मेरी सिस्टर ने बनाए हुए थे चिकन कबाब, वो हमने फ्राई करे हैं, चिकन टिक्का बनाया था वो। और ईद पे इतना कुछ खास नहीं ही था हमारा, ईद पे हमारे और मसाला चाय जब बनती है और इतने मज़ेदार बनती है मसाला चाय, ये मेरी फैमिली तो मेरी फैन हो गई है कि तो मसाला चाय बनाऊंगी। और ये मैंने बाई चांस ही बनाई थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो अब मेरी सिस्टर कह रही थी कि तुमने तो वो दिखाया नहीं किचन, और तुमने अपना होम टूर पूरा करवा दिया। ये मेरा छोटा सा किचन एरिया, इसमें सारी चीज़ें हैं। इसमें सॉरी आप इतना ऊपर नहीं आते हम, और बाहर का वेदर भी मैं आपको चेक करवाती हूँ, धूप निकली हुई है पर मौसम बहुत अच्छा हुआ है। हमारे सामने से बिल्कुल मजे थी, और मान लो हमारे को जहाँ जगह मिले हम वहीं ये लेट जाता है माशाल्लाह से। आया है उसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको खाती हूँ हमने क्या बनाया, मज़ेदार है। आज हमने कढ़ी पकौड़ा बनाया, उसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। देख सकते हैं कितनी क्रीमी और कितने मज़ेदार से तैयार हुई है। और इसके साथ हम चावल बनाएंगे, कोई लोग रोटी भी इसे बहुत पसंद करते हैं और चावल भी, हम दोनों ही करते हैं। और जो मैं अक्सर व्लॉग्स देखती हूँ उनमें पैरट्स की आवाज़ लगाई जाती है, बर्ड्स की, और मैं सोचती हूँ कि लोग बर्ड्स की आवाज़ उसमें ऐड करते हैं और मैं ऐड ही नहीं करती हूँ। माशाल्लाह से मेरे घर में चहचहा नहीं आती है। साथ मेरी बहन ने पैरट्स भी रखे हुए थोड़े से, देख सकते हैं तो मज़ेदार सा हमारा टिक्का रेडी हो गया। सॉरी इतना ज़्यादा नहीं बनाया, बस नॉर्मल था। और ये देखें हमारे कबाब कितने मज़ेदार से फ्राई हो गए, और बस चाय भी हो ही गई है हमारी। चाय में डालने लगी हूँ, हमारे
हमारे टी टाइम रेडी हो गया, जो हमने खाना है वो रेडी हो गया। और मैं उम्मीद करती हूँ आज का आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, सिंपल सा है। और सारी रेसिपी जो मैंने आज आपको बताई है वो सारी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। चले अब मुझे दुआ में याद रखिएगा और अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।